वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ घर से बाहर ना निकले, कोरोना किसी को भी हो सकता है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो सवाल हमारा ये है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन का वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के पहले दो फार्मूला जो हमें पता होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, और दूसरा फार्मूला जो है हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो इधर से अगर वन को हम इधर लेके आ जाए और tan स्क्वायर को इधर ले जाए, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे भी वही होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो दोनों जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है। तो हम बिठाएंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस वन की इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, और हम ये जानते हैं कि cot जो है वो tan का उल्टा है, तो इसको लिख सकते हैं वन बाई tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कट गया और इक्वल टू वन हो गया हमारा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक साइड में प्लेलिस्ट आएगा अभी, तो उस प्लेलिस्ट को देखिए अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं हमारा सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन बढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।